इंदौर के भंवर कुआं में रहने वाले एक सिख स्टूडेंट ने फांसी लगाकर जान दे दी। उसने एक सप्ताह पहले ही एक युवती से प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद उसे परिवार के लोगों ने बेदखल करने की बात कही थी और इस बात को लेकर वो तनाव में चल रहा था। पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। भंवर कुआं के ASI रामस्वरूप गहलोत के मुताबिक मृतक हरमल सिंह 22 वर्ष पुत्र सोहन सिंह निवासी पिपल्या राव है। हरमल मूल रूप से बेटमा का रहने वाला है। वो इंदौर में कुछ सालों से पढ़ाई कर रहा था। पुलिस को कमरे से सुसाइड नोट नहीं मिला है। वहीं पुलिस ने मोबाइल को जब्त कर उसकी जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक हरमल और साक्षी की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी, जहाँ चैटिंग के बाद दोनों ने मिलने की इच्छा जाहिर की। पहली मुलाकात में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। वहीं एक साल तक लिव इन में रहने के बाद एक सप्ताह पहले दोनों ने आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर ली। हरमल और साक्षी दोनों अलग अलग समाज के थे। साक्षी के पिता नहीं हैं, जबकि साक्षी की मां शादी के लिए तैयार हो गई, लेकिन हरमल के परिवार के लोगों ने उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही परिवार ने हरमल को बेदखल करने की बात कही, जिसके बाद से वो तनाव में था। इंस्टाग्राम पे बात हुई थी हमारी, किस तरह से आप साथ में रहे? फिर हमारी बातचीत हुई, फिर एक दो महीने हम मिले, उसके बाद हम लिविंग में रहने लग गए थे। एक साल हो गया हमको लिविंग में रहते रहते, के घर वालों ने बेदखल कर दिया। पर रोज ये रोते थे, मतलब कि घर की याद आ रही है करके। वो घर वालों से बहुत प्यार करते थे। हाँ, सबसे ज़्यादा सरदार नगर गुरुद्वारा बैठमा के निवासी है, पीपलिया राव में किराए के मकान में रहते थे। वहाँ इनने फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या की है।